हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंग्लिश टाइपिंग कोर्स की नंबर 4 क्लास, जिसमें हम नंबर 4 एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये नंबर 4 एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नंबर 1 से लेकर नंबर 3 क्लास देखी होंगी और नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होंगी। उसके बाद ही ये वाली देखें, नहीं तो मत देखें, बहुत बुरा होगा आपके साथ। ठीक है, पहले वो नंबर 3 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट करके आए, उसके बाद ये नंबर 4 वाली देखें। तो नंबर 4 की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो नंबर 4 की एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, जैसे हमने नंबर 1 एक्सरसाइज में नंबर 2 एक्सरसाइज को ऐड किया था, उसी तरह नंबर 3 एक्सरसाइज में नंबर 4 एक्सरसाइज को ऐड करेंगे। यानी कि जैसे हमने नंबर 3 एक्सरसाइज में ये 4-4 बटन दबाए थे, ये दो छोड़ दी थी हमने ना, तो अब इन दो की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले क्यू डब्ल्यू ई आर, फिर टी, फिर वापस आर, समझ लो। क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर, फिर स्पेस, क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर, ठीक है, स्पेस, समझ रहा है। आर टी फिर आर, आर टी फिर आर, मतलब आर दबाने के बाद टी दबाए, वापस आर दबाना है। क्या हुई एक्सरसाइज, क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस। उसके बाद इधर से आ जाएंगे, पी ओ आई यू, ये तो हमने पहले ही देख ली था, वाई यू, वाई दबाया, यू वापस, क्या, पी ओ आई यू वाई यू, फिर से देखिए, पी ओ आई यू वाई यू, पी ओ आई यू वाई यू, है ना। तो क्या बनी एक्सरसाइज, पी ओ आई यू वाई यू स्पेस, ये तो दोनों को मिक्स किया, क्या बन गई एक्सरसाइज, क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस, पी ओ आई यू वाई यू स्पेस, क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस, P O I U Y U स्पेस, Q W E R T R स्पेस, P O I U Y U स्पेस, समझ रहे हो। चौथा नंबर बटन दबाने के बाद पांचवे पर जाओ, वापस चौथे पर आ जाओ, चौथा दबाओ, पांचवे पर जाओ, वापस चौथे पे आ जाओ, समझ रहे हो आपको, समझ रहे हो ना। ठीक है, कैसे, चार ये दबाए, फिर पांचवे पर गए, फिर वापस चौथे पर आ गए, पांचवे पर गए, वापस चौथे पर आ गए ना, Q W E R T R स्पेस, पी ओ आई यू वाई यू स्पेस, समझ गए। तो ये है हमारी नंबर 4 एक्सरसाइज, इसकी आप फिर से 3 से 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से जचा के, वो भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करके, उसके अंदर एमएस वर्ड या नोटपैड खोल के उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है सिर्फ ऐसे नहीं बात करेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ हुई हमें दिखेगी नहीं, तो सामने हम टाइप करेंगे तो हमें दिखेगा कि हम क्या गलत दबा रहे हैं, क्या सही दबा रहे हैं। तो खोल के उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है आपको, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये 4 एक्सरसाइज हमने आज तक देख ली, इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम भी पेज है, उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम आपको यहाँ पर फ्री में, अभी तो सिर्फ टाइपिंग कोर्स सिखा रहे हैं, आगे हम आपको कंप्यूटर कोर्सेज भी सिखाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आप अपने मतलब इनकम कमाने में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की इनकम हो गई, जैसे कि आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो गई, या फिर और किसी भी पर्पज से आपको चाहिए, तो उसके लिए हम सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री में सिखाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।